सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। कल मैंने आपके सामने बोला था कि मैं 0 सब्सक्राइबर से लेकर 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक सिर्फ 2 महीने में करवा के दूंगा, मतलब मैं खुद के चैनल पर करूंगा। अभी आप साइड में जो चैनल देख पा रहे हैं उस पे अभी हैं 38 सब्सक्राइबर और उसको मैंने 7 या 8 तारीख को बनाया था। तो मैं अभी आपको सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा। बस देखो, अगर मैं 2 महीने के अंदर 1 मिलियन करने का प्रॉमिस किया है तो हमें कुछ खुरापाती चीजें अपनानी पड़ेंगी और ये सारी चीज़ें आपको YouTube में कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता। जैसे लॉन्ग क्रिएटर हैं वो आपको ज्ञान पेलते हैं, पर मैं एक शॉर्ट क्रिएटर हूँ और जब लॉन्च ही हुआ था ना उस टाइम से काम कर रहा हूँ अभी तक शॉर्ट्स पे, तो मेरे को हो सकता है कि अच्छा एक्सपीरियंस हो शॉर्ट्स वीडियो का। इसलिए मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि 1 मिलियन आपके सब्सक्राइबर करवा दूंगा। तो इससे पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है, हम पार्ट बाई पार्ट जानते जाएंगे एंड वीडियो बनाते जाएंगे। एक और बात, मैं आप सभी लोगों में से जो 5 महीने या उससे भी ज़्यादा टाइम से काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप कमेंट कीजिए मुझे, मैं किसी का एक का चैनल लूँगा और उस चैनल के बारे में मैं बताऊँगा कि आखिर तुम क्या मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से तुम सक्सेस नहीं हो पाते। जिसका भी चैनल चेक होना हो तो सिर्फ वहाँ पर लिखिए कि मेरा चैनल चेक कीजिए, तो मैं आपको चेक करूँगा और फिर वीडियो बनाऊँगा उसी चैनल पर कि भाई तूने क्या गलती की है या एनीथिंग। देखो अपन लोग दोस्त हैं तो तूने तुमने आपने ये सब झेल लेना आप लोग, क्योंकि फ्लो फ्लो में भूल जाता है। मैं आपको पहले माइनर चीज़ें बता देता हूँ 0 सब्सक्राइबर से लेके 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने के लिए। सबसे पहला है सब्र। अब आप 2 महीने सब्र रखिएगा, मेरा वीडियो परमानेंट देखिएगा क्योंकि आपको हर एक वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँगा कि भाई क्या क्या चीज़ें सीक्रेट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो आज मैं आपको देखो आज बेसिकली बताऊँगा, बेसिक चीज़ बताऊँगा जो कि आपको बताते होंगे, पर मैं कुछ नहीं बोल रहा, कोई बताता हो ना बताता हो, पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि चैनल कैसे बनाना है, ठीक है। चैनल सिंपल यार बना लेते हो, मैं वो नहीं बता रहा। आज मैं आपको अपने चैनल पर विजिट करके दिखाऊंगा जो मैंने 0 सब्सक्राइबर पर से लेके 1 मिलियन सब्सक्राइबर करना है ना, उसका पहले मैं आपको इनसाइड दिखा देता हूँ कि आखिर वो चैनल दिखता कैसा है। अभी आप 38 सब्सक्राइबर बेस पे उसको देख सकते हो, ऐसा मैंने कुछ जादू तो नहीं किया कि भाई 2 महीने में उड़ जाएगा, तो मैं उसको विजिट करके दिखाऊंगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि लॉन्ग वीडियोज़ के चैनल का मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो वो सिर्फ आपके भरोसे आपके सपोर्ट पर है। और गाइस देखो, अगर व्यूज़ सही आते रहे तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ आज कि जो भी लोग शॉर्ट क्रिएटर बनना चाहते हैं उनके लिए हर एक वो चीज़ उपलब्ध होगी जो आप चाहते हो। कमेंट में बताते जाइए कि आपको किस टाइप का वीडियोस चाहिए। तो गाइस चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने अभी चैनल बनाया है। चैनल का नाम है आनंद लोधी टेक, ठीक है, आनंद लोधी शॉर्ट्स है चैनल का नाम। तो अभी इस पीसी में तो मैं ओपन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उस पीसी में ओपन करूँगा तो वही फालतू का लफड़ा होता है, इसलिए अभी अपना वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है और अपन आपको दिखा भी रहे हैं। सबसे पहले हम जाते हैं क्रोम पर एंड यहाँ पे हम सर्च करते हैं बाईटी स्टूडियो। तो इसमें मेरा चैनल ऑलरेडी लॉग इन है। आप एक काम कर सकते हो, कंप्यूटर पे आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में डेस्कटॉप साइट क्रोम पे खोल लीजिएगा, वहाँ पे खुल जाएगा जैसा कि आपको इस पीसी में दिखा रहा है। तो गाइस अभी आप चैनल देख सकते हो मेरा, इस चैनल पर अभी सब्सक्राइबर हैं 37 करेंट टाइम में। एंड मैं आपको एक और बात नोटिस वाली बता दूं, जब आप स्टार्टिंग में वीडियो बनाना शुरू करते हो तो शुरुआत में होता क्या है कि आपको लोग नहीं जानते तो आपका वीडियो नहीं देखना चाहते, इसलिए आपका ऑडियंस रिटेंशन कम आता है, जो कि अपने साथ हो रहा है। ऐसा 57 आ रहा है, धीरे धीरे 60 आएगा एंड धीमे धीमे जब मेरी वॉइस बहुत सारे लोगों के पास पहुँच जाएगी तो थोड़ा कान में पहुँचती है ना, तो रिलेट कर पाते हैं हम उस वॉइस से, इसलिए ये ऑडियंस रिटेंशन कम आता है। तो सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं आपको कंटेंट में जाके, कंटेंट के ऑप्शन में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो हमको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। मेरे वीडियोस में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, किसी में डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं किया है, पहले ही आप देख सकते हो। मैंने बोला मैंने किसी चीज़ में कुछ एक्सेप्ट कुछ भी नहीं करता और 7 सितंबर से अभी 13 सितंबर तक मैं वीडियो डाल चुका हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल, मैंने एक्सकेलेटर, ये मेरे को बोलना नहीं आता, तो एक्सकेलेटर के ऊपर वीडियो बनाया था कि हाउ टू वर्क अ एक्सकेलेटर। अरे यार क्या बोलते रहता हूँ, एनीथिंग दिल पे मत लेना, ओनली वो टाइटल दिया, ठीक है, टाइटल में लिखा है और कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है, ना कुछ टैग है ना कुछ टाइटल है। इसके बाद विजिट करते हैं हम अपने एनालिटिक्स पर और गाइस लास्ट 48 आवर का अपना 4000 व्यूज चलने लगा है, सिर्फ 7 दिन या 8 दिन हुए होंगे मुझे चैनल क्रिएट किए। तो ये पावर, और यहाँ पे आप ऑडियंस रिटेंशन नोटिस नोट कर सकते हो, स्टार्टिंग का ऑडियंस रिटेंशन कैसा आता है। हालांकि कई वीडियो का अच्छा भी है पर
जब आप शुरुआत में काम करते हो तो मैंने बोला थोड़ा कम आएगा, तो आपको सब्र रखना है। अभी वीडियो को देखते जाइए, मैं क्या क्या सुधार करूंगा, क्या क्या चीज़ें बताऊंगा आपको, सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद चैनल पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे बेसिक इन्फो में एक ऑप्शन आएगा नीचे कीवर्ड्स का। ये कीवर्ड्स का मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो गाइस कीवर्ड्स का मतलब यह होता है कि आपका जो भी चैनल सर्च करेगा तो इन्हीं कीवर्ड्स की हेल्प से वो सर्च कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने चैनल का नाम डाल देना है, जैसे आनंद लोधी क्रिएटिव वीडियो, यूनिक शॉर्ट्स, ईगल शॉर्ट्स, लाइक ईगल का मेरा लोगो है ना इसलिए ईगल शॉर्ट्स लिख दिया। तो गाइस एडवांस सेटिंग में कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जो ऑप्शन दिख रहा है नो इट्स नॉट फॉर किड्स, मतलब ये बच्चों के लिए नहीं है, मतलब सभी लोग देख सकते हैं इसको। अब आप इट्स फॉर किड्स करोगे तो सिर्फ बच्चे बच्चे देख पाएंगे इसको एंड आपके अर्निंग बिल्कुल लॉल हो जाएगी, वीडियो भी नहीं चलेंगे, एनीथिंग इस टाइप का आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना हमेशा। अगर आप बच्चों से रिलेटेड कॉन्टेंट नहीं बना रहे तो नो इट्स फॉर नॉट किड्स ऐसा ऑप्शन है दूसरा वाला, उस पर हमेशा क्लिक करना है। तो गाइस अब आ जाते हैं हम लोग अपलोड डिफॉल्ट्स पे। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। सॉल्यूशन ये है कि कई लोगों के दिमाग में चलता रहता है यार हम कीवर्ड्स नहीं लगा रहे इसलिए हमारा चैनल वायरल नहीं हो रहा। चलो ठीक है, बार बार कीवर्ड लगाने का झंझट यहाँ से ख़त्म होता है। अपलोड वीडियो पे जाओगे आप, यहाँ पे एक बार जो भी चीज़ लिख दोगे जब आप नया वीडियो अपलोड करोगे तो सारी की सारी लिखा आएगा उसमें, मतलब पहले से लिखा होगा, अपन को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है, तो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन में मैं हाय आनंद एनीथिंग आप अपने बारे में लिख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन भी दे दीजिए, हर वीडियो में बिना मेहनत के डिस्क्रिप्शन लग जाएगी। इसके बाद सेलेक्ट विजिबिलिटी, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन रहते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और अनलिस्टेड। अनलिस्टेड मतलब होता है कि आप जिसको वीडियो भेजोगे वही देख पाएगा, अगर आप लिंक भी भेजोगे तब भी कोई नहीं देख पाएगा प्राइवेट वीडियो को, एंड पब्लिक का तो सबको पता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग टैक्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप जितने भी हों टैक्स भर भर के दीजिए, अंडर 500 वर्ड्स में जितने भी हों। अब आप आगे से जो भी वीडियो अपलोड करेंगे ये सारे टैक्स ऑटोमेटिक उसमें लगे आ जाएंगे, तो आपको ये सेटिंग ज़रूर करना है। अपलोड डिफ़ॉल्ट पे जाके पहले से कर दीजिए, बार बार कौन टैग दे यार, कौन वीडियो अपलोड करते समय इतना परेशान हो लोड ले। तो गाइस जैसा कि आपने चैनल पे देखा, चैनल पे ऐसा कुछ खास नहीं था, जैसा आपका रहता है वैसे ही मेरा है, बस थोड़ी आपको अपलोड डिफ़ॉल्ट वाली सेटिंग पर ध्यान देना है, एनीथिंग ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना है। चलिए अब हम वीडियो को अपलोड करते हैं। तो मैं कैसे वीडियो अपलोड करता हूँ, सबसे पहले मैं अपना मोबाइल उठाऊंगा, ठीक है। हर वीडियो मोबाइल से अपलोड करता हूं, तो मैं पहले इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूं एंड इसके बाद हम लोग जाते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। यूट्यूब पे गए, 37 सब्सक्राइबर हैं गाइस। मेरी आदत है मैं सिर्फ यूट्यूब ऐप से ही वीडियो अपलोड करता हूं, कहीं से करो यूट्यूब पर पहुँच जाना चाहिए। कई लोग बोलते भाई डेस्कटॉप साइट से वीडियो अपलोड करोगे तो वायरल हो जाएगा, यहाँ से करोगे। गाइस कहीं से भी कर लो यार, आपके मतलब इससे होता क्या है भाई, तुमने यहाँ से कर दिया वहाँ से कर दिया, जाना तो YouTube पर ही है। बस मेन बात यह है कि आपका कंटेंट दमदार होना चाहिए, मैं हमेशा इसी पे फोकस रखूँगा कि कंटेंट आपका दमदार हो, तो ये सारी चीज़ें सिखाता भी जाऊँगा। तो सबसे पहले हमें क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करना है एंड अपलोड आ वीडियो कर देना है, क्रिएट आ शॉर्ट्स पे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। अपलोड वाले वीडियो पे ऑटो डिटेक्शन रहता है इसमें, जैसे कोई शॉर्ट्स अपलोड करोगे तो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। तो मेरा जो 59 सेकंड का है इस पे मैं क्लिक करूंगा एंड 76 दिनों तक आखिर कैसे एक व्यक्ति बिना खाना पानी के जिंदा रहा, आप भी थी। तो गाइस मैंने यहाँ पे बोला 76 दिनों तक आखिर एक व्यक्ति बिना खाना पिए खाना पानी के जिंदा कैसे रहा। तो यहाँ पे लोगों के दिमाग में आएगा भाई आखिर कैसे 76 दिनों तक कैसे, तो इसके पीछे एक लॉजिक है जो सिर्फ वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ऐसे अटका के रखना एंड इसको हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे जो भी करना हो कर सकते हो, कुछ भी करीब से मौत को देखना क्या होता है। यहाँ पे आपको कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना है, आपको नेक्स्ट कर देना। अगर फ़िल्टर लगाना है तो फ़िल्टर लगा सकते हो, जो भी है आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर फ़िल्टर लगाना चाहते हो, मैं पहला फ़िल्टर लगा देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे मेन आ जाता है टाइटल, तो कैप्शन योर शॉर्ट्स मैं आपको देता हूँ ट्रेंडिंग शॉर्ट्स एंड मैं बाय आनंद लोधी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप चेक कर पाओ, या अपना भी नाम लिख सकते हो अगर आपको कोई जानता है तो लिख सकते हो बाय आनंद लोधी। जैसे ही आप आनंद लोधी सर्च करोगे तो ये वीडियो सर्च में आ जाएगा। तो भाई सर्च में लाने का सिंपल तरीका, आप अपने टाइटल में अपना नाम लिख दीजिए, ऑटोमेटिक सर्च में आ जाएगा। ये रहा यहाँ पे हो गया काम, अब कैंसिल। यहाँ पे अपन कर देते हैं पब्लिश नहीं करना फिलहाल, अभी 9:18 हो रहे हैं तो शेड्यूल पर लगा देते हैं इस वीडियो को, मॉर्निंग में हो जाएगा अपने आप। शॉर्ट अपलोड करने का टाइम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जिस भी वीडियो को आप अपलोड करो गाइस, तो उस वीडियो को आप अलग अलग ईमेल से बात कीजिए,
अलग अलग ईमेल से बॉस करोगे तो होगा है कि यूट्यूब को लगेगा कि हाँ यार लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पूरा बॉस कीजिए, जीरो से जितने भी सेकंड का आपका वीडियो है पूरा बॉस कीजिए। इसके बाद यूट्यूब को लगेगा हाँ यार आपका लोग आपका वीडियो कुछ काम का है, तो यूट्यूब उसको बूस्ट करेगा। 4-5 ईमेल से देख लीजिएगा, बस इतना कर दीजिए, कंटेंट धांसू बनाइए और फिर देखिए शॉर्ट चलता है कि नहीं। ये सारी ट्रिक्स आप अपने वीडियोस पे लगाते जाइए एंड चलते जाइए मेरे सामने। और कल हम लोग जानेंगे कि वीडियो के लिए कंटेंट कैसे रिसर्च करें और कैटेगरी कैसे चूज़ करें। देखो मेरे इस चैनल की कैटेगरी मैंने आपको नहीं बताई, इस चैनल की कैटेगरी है इंटरटेनमेंट। मैं एजुकेशनल वीडियोस भी बनाता हूँ, इंटरटेनमेंट भी बनाता हूँ, तो सारी जो मिक्स वाला कंटेंट रहता है वो आ जाता है इंटरटेनमेंट कैटेगरी में, ठीक है। तो कैटेगरी कोई सी भी रखो, बस कंटेंट दमदार रहना चाहिए। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं। कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बस यही यूट्यूबर को ज़रूरत रहती है।